हेलो दोस्तों, मैं राम कुमार यादव आपका अपने YouTube चैनल आशी मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियोस में अपने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कराए थे, आज दोस्तों नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मेरे मित्र हैं, उन्होंने कमेंट किया था मुझे पर्सनल मोबाइल पे कि दोस्तों अगला टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाया जाए सर, इसलिए आज मैंने टॉपिक लिया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोस्तों इसे हिंदी में कहते हैं बिलेता गुणनफल। क्या कहते हैं दोस्तों? बिलेता गुणनफल। इसे दोस्तों आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो दोस्तों इस नाम से जानते हैं, तो इनमें से किसी भी नाम से दोस्तों आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में ही बात हो रही होगी। तो दोस्तों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दोस्तों ध्यान देना, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोस्तों ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए? डेफिनेट होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और दूसरा जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? सैचुरेटेड होने चाहिए। एक तो दूसरा आपका पहला कंडीशन है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और दूसरा जो आपका सोल्यूशन वो कैसे होना चाहिए? सैचुरेटेड होना चाहिए। इन दो कंडीशन में कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके आयनों का जो प्रोडक्ट होगा, आयनों का दोस्तों क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई, जो उसके आयंस हैं जब आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो उनके आयंस का जो मल्टीपल आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो हमेशा क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को ही दोस्तों क्या कहेंगे हम? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे। जस्ट लाइक दोस्तों एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने बहुत अच्छे से दोस्तों इसका नाम सुना होगा, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों आप देखिए ये चौक है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट ही है दोस्तों। तो इसी को मैंने अगर किसी भी सॉल्यूशन पर डिसॉल्व करूंगा देन दोस्तों ये किसमें ब्रेक होगा? Ca2+ आयन में प्लस Co3-2- आयन में। दोस्तों इस तरीके से ये ब्रेक होगा। अगर इसका हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन लें और कांस्टेंट टेम्परेचर पर लें देन दोस्तों इसका Ksp क्या हो जाएगा दोस्तों, या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इसके जो आयन है, इन आयनों का प्रोडक्ट, आयन कौन से है दोस्तों? एक Ca2+ आयन है जिसे कैल्शियम आयन कहेंगे, तो ये हमने लिख दिया Ca2+ आयन कैल्शियम आयन। दूसरा इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और दूसरा आयन कौन सा दोस्तों? Ca3-2- आयन, तो Co3-2- आयन। तो दोस्तों हमेशा ही कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है अगर आप तो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे और दूसरा कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेंगे तो उनके जो भी आयंस बनेंगे उन आयंस का जो प्रोडक्ट है हमेशा ही एक कांस्टेंट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे, और इसे Ksp से डिनोट करेंगे दोस्तों। किससे करेंगे? Ksp, K फॉर कांस्टेंट और S मतलब सॉल्युबिलिटी, P मतलब प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या हो गया दोस्तों यहां? कांस्टेंट। तो दोस्तों Ksp का मतलब क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इस तरीके से दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशंस के लिए आप उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आपने देखा कांस्टेंट टेम्परेचर पर और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए कोई भी हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उसके आयनों का प्रोडक्ट हमेशा ही क्या निकल के आएगा? एक कांस्टेंट निकल के आएगा, जिसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसका Ksp कहेंगे, या कांस्टेंट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहेंगे। इस तरह से दोस्तों आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के जो सॉल्ट्स हैं वो 1:1 सॉल्ट कहलाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 1:1 टाइप के सॉल्ट्स। 1:1 टाइप सॉल्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जिसमें एक ही पॉजिटिव आयन हो और एक ही नेगेटिव आयन हो। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का रेशियो क्या रहेगा दोस्तों? 1:1 रहेगा। इसी तरह के दोस्तों और आप ले सकते हैं NaCl, KCl, HCl, ये सभी सॉल्ट्स दोस्तों किस तरह के 1:1 रेशियो के सॉल्ट्स हैं। इस तरह से दोस्तों अगर हम कोई एक 2:1 के सॉल्ट्स लें, उस कंडीशन में देखें दोस्तों, दोस्तों मैंने लिया है CaOH का होल प्राइस। यदि दोस्तों इसको हम आयनाइज करते हैं या इसको किसी सॉल्यूशन पर डालते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 2OH- इस समय दोस्तों अगर इसका Ksp क्या होगा? देखिए Ca2+ आयन इनटू 2OH- आयन। इस तरह से दोस्तों ये 1:2 और 2:1 सॉल्ट्स के लिए Ksp निकल कर दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी जो सॉल्ट्स है उसका आयनाइजेशन करेंगे और जो भी उनके आयंस होंगे उन आयंस का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट निकल करके आएगा। वो कांस्टेंट क्या कहलाएगा दोस्तों? Ksp कहलाएगा, या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। दोस्तों Ksp के थ्रू आप सॉल्युबिलिटी भी फाउंड आउट कर सकते हैं।
किस तरह से दोस्तों, सपोज करिए कि अगर मैंने सीए टू प्लस आयन की सोलिबिलिटी एस मानी है और ये सीओ थ्री टू माइनस आयन की सोलिबिलिटी एस मानी है, तो दोस्तों के एस पी इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, के एस पी इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों एस इन टू एस, और दोस्तों क्या हो गया एस स्क्वायर, और एस इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या जाता है अंडर रूट आ जाता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट के एस पी। तो इस तरह से दोस्तों आप केएसपी की सहायता से सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं और सॉल्युबिलिटी की सहायता से केएसपी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम दोस्तों हम किसके लिए कर सकते हैं, 2:1 वाले सॉल्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। 1:1 के सॉल्ट्स के लिए केएसपी निकालने के लिए फॉर्मूला ये हो गया दोस्तों, 2:1 या 1:2 के जो भी सॉल्ट्स होंगे उनके निकालने के लिए फॉर्मूला सेम आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। सीए की आप सॉल्युबिलिटी एस मान लीजिए और ओएस की भी एस मान लीजिए, और इसका क्या हो गया दोस्तों 2s। तो दोस्तों क्या निकल के जाएगा कि एस पी इक्वल टू 4s³। इस तरह से दोस्तों आप 2:1 वाले सॉल्ट्स के लिए भी केएसपी या सॉल्युबिलिटी दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा एक फिनोमिना है जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो हमारा सॉल्ट है वो किस तरह से आयनाइज हो रहा है और आयनाइज होने के बाद में उन आयंस का प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, एक प्रैक्टिकल फिनोमिना है। कैसा दोस्तों, एक प्रैक्टिकल फिनोमिना है ये दोस्तों, एनालिसिस में यूज होता है कि कोई भी हमारे सॉल्ट्स हैं वो प्रेसिपिटेट होंगे या नहीं होंगे। क्या दोस्तों, प्रेसिपिटेट होंगे या नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट का मतलब तो दोस्तों समझते होंगे आप अपक्षेपण। दोस्तों कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बाहर जब सॉल्यूशन डिसॉल्व होगा तो वो प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। इसके लिए दोस्तों दो चीजें याद रखना आपको बहुत जरूरी है, केएसपी और जो उनका आयनों का प्रोडक्ट है, उनमें क्या रिलेशन है। दोस्तों यदि केएसपी स्मॉलर देन आयनिक प्रोडक्ट है तो दोस्तों ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यदि केएसपी ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट है तो दोस्तों ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो दो कंडीशन दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, कोई भी हमारा जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका प्रेसिपिटेट होने के लिए कि वो प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं होगा। यदि केएसपी आयनिक प्रोडक्ट से छोटा आता है तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा दोस्तों, और यदि केएसपी आयनिक प्रोडक्ट से बड़ा है तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। दोस्तों इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहे तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं। दोस्तों सिंपली मैंने वाटर लिया है और दोस्तों मैं इसमें चौक डालूंगा यानी कैल्शियम कार्बोनेट डालूंगा। दोस्तों इस कैल्शियम कार्बोनेट डालने पर देखेंगे आप स्टार्टिंग में दोस्तों लगेगा ये घुल गया, डिजॉल्व हो गया, लेकिन दोस्तों आफ्टर सम टाइम अगर आप देखेंगे तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा या प्रेसिपिटेट बना देगा। दोस्तों ये प्रेसिपिटेट क्यों बना रहा है, क्योंकि दोस्तों सीए टू प्लस आयंस और सीओ थ्री टू माइनस आयंस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो केएसपी से दोस्तों क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन दोस्तों ये कंडीशन आ गई कि जो केएसपी है वो आयनिक प्रोडक्ट से क्या होगा छोटा होगा, इसलिए दोस्तों ये क्या हो गया प्रेसिपिटेट हो गया। दोस्तों यदि आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से छोटा होता तो इस तरह से कोई भी सॉल्यूशंस प्रेसिपिटेट्स नहीं होते। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल फिनोमेना है ये, और आप इसका एनालिसिस में यूज कर सकते हैं या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसका यूज होता है, जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है वो प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।